जिसमें एक नया लीडर नेतृत्व करने वाला है तुम्हारा। 68 सक्सेसफुल इंटरनेशनल ऑपरेशंस, हॉस्टेज नेगोशिएटर, फील्ड एजेंट, स्पाई। तो भैया आज हम बात करेंगे इंडियन सिनेमा के लॉर्ड ऑफ किंग्स यानी थलापति विजय की। हाल ही में बंदे की मच अवेटेड गोट का ट्रेलर आया जहां थलापति के कुछ फैंस दूध लेकर अभी से अपने स्टार के दर्शन को तैयार है, तो वही कुछ भटूरों को इसका ट्रेलर बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। मार्शल और बिगिल जैसे ट्रिपल एंड डबल रोल ब्लॉकबस्टर के बाद थलापति एक और बार डबल रोल में दिखाई देने वाले हैं। मार्शल में अपने ट्रिपल रोल में अपनी अच्छी एक्टिंग का जलवा दिखाने वाले थलापति से सिर्फ इंडियंस ही नहीं बल्कि गोरे भी इतने इम्प्रेस हुए कि 2018 में यूके की तरफ से उन्हें बेस्ट इंटरनेशनल एक्टर का अवार्ड भी मिला। पर अब ऐसा क्या हो गया कि विजय के आने वाली मल्टी रोल मूवीज को झोला छाप क्रिटिक्स अभी से विरोध कर रहे हैं और उन्हीं के देखा देखी साउथ के हेटर्स और सो कॉल्ड मूवी रिव्यूअर्स यूट्यूबर भी थलापति के गोट को अभी से हलाल करने में तुले। तो वही कुछ ट्रेड एनालिस्ट बाबू मसाई का मानना है कि ये फिल्म कैसे भी हो अगर इसे इंडिया में बैन तक कर दिया जाए तो थलापति के फैंस साथ ना सही एक समुंदर पार करके मालदीव श्रीलंका वगैरह में भी अगर ये फिल्म लगेगी तो उनके फैंस गोते लगाकर वहां भी फिल्म देखने पहुंच जाएंगे। चलो ये तो हो गई डाई लीवर फैंस की बात, लेकिन हर बार अपने मल्टी रोल से 100-200 करोड़ छूने वाले थलापति ने तमिल इंडस्ट्री में 300 करोड़ क्लब की शुरुआत भी की थी और वो भी अपने डबल रोल फिल्म बिगिल से। पर क्या अब थलापति के लिए बार बार डबल रोल वाला ट्रबल पब्लिक को थिएटर तक ला पाएगी या पॉलिटिक्स में जाने से पहले थलापति भी बेइज्जती करवा के जाएंगे? और क्या प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स अपने सिर्फ पैसे रिकवर करने के लिए बार बार विजय को डबल रोल में डाल रहे हैं? और क्या सच में विजय भी सिनेमा इंडस्ट्री की सबसे जानलेवा बीमारी यानी टाइप कास्ट के शिकार हो चुके हैं? इस वीडियो के लिए जब हमने आपसे पूछा और थलापति 2.0 स्पैम करने के लिए बोला तो शॉर्ट्स पर एक घंटे में 300 प्लस कमेंट्स आ गए और वैसे भी हमारे चैनल के मोस्ट पॉपुलर वीडियो भी थलापति की ही है। सो बकरी के दूध से बनी मिठाई से कराते हैं आपका मुंह मीठा और बताते हैं सीता और गीता जैसी डबल रोल वाली फिल्म के बारे में लाइक अ चीता। तमिल सिनेमा का एक ऐसा सुपरस्टार जिसने बॉक्स ऑफिस के साथ साथ लोगों के दिलों में भी अपनी इज्जत हमेशा के लिए बनाई। सुपरस्टार थलाइवा के बाद लोगों ने इस दूसरे तमिल स्टार पर सबसे ज्यादा प्यार लुटाया। इंडियन सिनेमा का एक ऐसा स्टार जिसके नाम से थिएटर और काम से मिनिस्टर तक डर गए और टाइम टू लीड जैसे स्टेटमेंट के बाद दो बार उसकी फिल्मों को बैन तक किया गया। और तो और अब ये बंदा जल्दी ही फिल्मों से दूरी बनाकर सफेद कपड़े में भाषण देते हुए भी दिखाई देगा। लेकिन भैया रिटायरमेंट से पहले थलापति विजय की दो मूवीज पेंडिंग है जिसमें से एक का तो ट्रेलर भी आ चुका है और तुम सबने भूषण कुमार जी के चैनल टी सीरीज पर इसे जरूर देखा हो। जहाँ आधी जनता थलापति की इस मूवी के लिए पगलाई हुई है तो वही बहुत सारे सो कॉल्ड लाल गुद्दी वाले क्रिटिक्स और सिनेफाइल के 14 इन लोगों को ये मूवी कुछ खास रास नहीं आ रही। थलापति विजय इज लुकिंग नाइस बट ट्रेलर मेरे को एवरेज लगा यार। ट्रेलर मेरे को ठीक ठाक ओके लगा, एक ऐसा स्टैंड आउट मोमेंट मैंने मिस किया ट्रेलर में यार। चलो डेमोक्रेसी है सबको देश जलाने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक है। बॉक्स ऑफिस पर पिछले साल ही वारिसू और लियो जैसी फिल्मों से थलापति ने कई सारे झंडे गाड़े थे और इस साल थलापति द गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 2024 में भी आतंक मचाने को तैयार है। और भैया चेरी ऑन द केक ये है कि बंदा वापस से डबल रोल में दिखाई देने वाला है। वेगेटा प्रभु यानी इस फिल्म के डायरेक्टर ने मूवी में टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखा है। अब ये सुनकर तो भाई साहब नोलन की इंटरस्टेलर याद आ गई। वेल अगर टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट पर बात किया जाए तो यह हमेशा से एक हॉट एंड फैसिनेटिंग टॉपिक रहा है इंडियन सिनेमा। कई सारे डायरेक्टर्स ने इन टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट पर फिल्में बनाई है और दबा के पैसे भी छापे। जैसे 2016 में रिलीज हुई सूर्या की घड़ी वाली फिल्म 24 तो मेरी पर्सनल फेवरेट है। उसके अलावा भी पिछले साल ही तमिल सिनेमा से एक और फिल्म आई थी मार्क एंटोनी, जो फिल्म टाइम ट्रेवल को बहुत ही सस्ते और सरल अंदाज में दिखाती है जहाँ टेलीफोन ही टाइम मशीन होती है। काफी मस्त फिल्म है, अब तक नहीं देखी तो भाई की रिकमेंडेशन है, वीकेंड में पक्का देखना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लेकिन अगर इंसेप्शन और इंटरस्टेलर जैसी फिल्में देखकर आपका भी दिमाग का भरोसा हो गया था तो इसी साल आई कन्नड़ा इंडस्ट्री की ब्लिंक देख लेना। लिटरली अब अपने सर के बाल नोचने लग जाओगे। साला स्टोरी नहीं मतलब सच में जलेबी बना दिया इन लोगों ने फिल्म को। इसके अलावा मनांडू ये अगेन वन ऑफ द बेस्ट साउथ फिल्म है अपॉन टाइम ट्रेवलिंग एंड मस्ट वॉच फिल्म। बॉलीवुड वालों ने इस कॉन्सेप्ट का यूज बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। वो बात अलग है कि बॉलीवुड ने बिना डिस्क्लेमर या वार्निंग के एक्शन रिप्ले जैसी जानलेवा फिल्म लोगों को दिखाई। पर गुरु आप देखना ये है कि थलापति की ये टाइम ट्रेवल एक्शन एंटरटेनर हमारे लिए पैसा वसूल निकलती है या फिर नहीं। तुम्हें अगर ट्रेलर पसंद आया हो तो कमेंट में किंग थलापति टाइप करना या फिर बकवास लगी हो तो डिजास्टर गोट टाइप करना। देखते हैं पब्लिक फिल्म को लेकर क्या सोच रही है। जहाँ थलापति के भक्त फैंस इस मूवी की भक्ति करने
के लिए इंतजार खड़े हैं। तो इनके हेटर्स और कुछ दूसरे ऑडियंस को भी विजय का डबल रोल अवतार अब थोड़ा सा खटकने लगा। बंदे ने डबल रोल प्ले करने में डिप्लोमा कर रखा है, जहाँ बाकी एक्टर्स दो कैरेक्टर सेम मूवी में प्ले करने से डरते हैं, क्योंकि भैया एक ही पेचेक में दो बार मेहनत करनी पड़ती है और ये सबके बस की बात नहीं होती। और वैसे भी हर कोई कमल हसन नहीं हो सकता जो 10 अवतार जैसी फिल्मों में 10 कैरेक्टर्स को प्ले कर दे। वैसे बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने भी अपने करियर की स्टार्ट से ही डबल रोल में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था और आज भी करते रहते हैं, पर बंदे की किस्मत कभी भी सही टाइम पर बैठ ही नहीं पाई। मूवीज लाइक डुप्लीकेट, पहेली, रावण और फैन ने शाहरुख खान को बॉक्स ऑफिस पर जीवन भर का ट्रॉमा दे दिया। पर रिसेंटली रिलीज हुई अटली भाव के साथ जवान शाहरुख के करियर की पहली डबल रोल ब्लॉकबस्टर फिल्म भी बनी। जहां बॉलीवुड किंग अपने करियर की शुरुआत से डबल रोल हिट के लिए तरस रहे थे, वहीं थलापति ने 2007 में ही डबल रोल मूवी से अपना डेब्यू किया था। मूवी का नाम था अजागिया थमीज मगन। कुछ बीकेएल्स इस फिल्म के कमेंट में इसे पता नहीं क्यों चाइनीज फिल्म बता रहे थे। उस फिल्म में बंदे की एक्टिंग को क्रिटिक्स और ऑडियंस ने काफी पसंद किया था और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी ठीक ठाक चल भी पाई थी। Many more happy returns of three. इंदा वाइंगा। लेकिन फिर 2014 में आई मुर्गा दौस की फिल्म कहते थी। इस फिल्म में विजय पहली बार फुल डबल रोल अवतार में दिखाई दिए। इस फिल्म से पहले मुर्गा दौस ने विजय के साथ सुपरहिट थुपाकी भी बनाई थी, जिसे हिंदी बेल्ट वाले अक्की पाजी की हॉलीडे से जानते। 3, 2, 1 शूट। सुभाष करण अलीराज लाइका प्रोडक्शन में बनी इस मूवी में विजय एन सामंता और त्रिनामी एक्टर नील नितिन मुकेश ने काम किया था। फिल्म में एक छोटा सा चोर अपने जैसे दिखने वाले इंसान की पहचान अपनाता है और थोनुटू गांव के किसानों को एक आंदोलन चलाने में मदद करता है। और गुरु यही करते करते वो बंदा उन्हें एक उद्योगपति के खिलाफ लड़ने में मदद भी करता है, जो थोनुटू के पानी का दुरुपयोग यानी वेस्टेज कर रहे होते। नॉन थलापति फैंस, जिन्हें स्टोरी इंगेजिंग लग रही है, तुम्हारे लिए मूवी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, तो आराम से जाकर देख लेना। बॉक्स ऑफिस पर भी इस मूवी ने दबा के कमाई की। 70 करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 130 करोड़ का कलेक्शन किया। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखना, विजय भाव के एक्शन और डायलॉग्स बाजी के दीवाने हो जाओगे। एक्शन से याद आया कि गोट के एक्शन पर भी बहुत सारे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स और क्रिटिक्स ने काफी सवाल उठाए, जहां कुछ लोगों का इसका एक्शन सीन कुछ खास एंटरटेनिंग नहीं लग रहा है और वो लोग कह रहे हैं कि भैया VFX ऐसी कि आदि पुरुष वाले भी इस फिल्म को देखकर प्राउड फील करेंगे। बहुत सारे एक्शन सीन्स रिपीटेटिव लग रहे हैं, जिसे आपने बाकी सारी मूवीज में देख रखा होगा। बट वीडियो प्ले पना அந்த எமோஷன்ஸும் வரல, அந்த இதுவும் வரல, மசில் மூவ்மெண்ட் கொஞ்சம் இது வந்து ஒரு டீப் ஃபேக் யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கு। नम्बर डीप फेक ला वंदे इन द अड़ता मट्टों अद अल्गोरिथम। लेकिन भाई एक बात तो है कि मूवी का स्केल काफी बड़ा रखा गया है। बैकग्राउंड देखकर समझ सकते हो कि डायरेक्टर वेंकटा प्रभु ने 300 करोड़ के बजट का पूरी तरह से इस्तेमाल किया है। पहली डबल रोल मूवी सुपरहिट होने के बाद तो मानो विजय के करियर में डबल रोल मूवीज चल सी पड़ी। और बस 2 साल बाद आई विजय और एटली की पहली कोलैबोरेशन यानी थेरी, जो कि 1990 में रिलीज हुई तमिल मूवी चतुरियन से इंस्पायर्ड थी। अब तुम में से बहुत सारे लोग सर खुजा रहे होंगे कि थेरी में विजय का डबल रोल तो था ही नहीं, पर बॉस एटली वो बंदा है जो हर इंसान का दिमाग 360 डिग्री घुमा कर रख दे। और ऐसा ही कुछ थेरी के साथ भी हुआ था। फर्स्ट हाफ तक थलापति ने एक ही कैरेक्टर की दो पर्सनालिटी प्ले की, जिसे देखकर बहुत सारे लोगों को इंटरवल तक यही लग रहा था कि बंदा इस बार भी डबल रोल में गुंडों को सूत रहा है। मूवी में विजय भाव का डबल रोल तो नहीं था, पर बंदे ने डबल हीरोइन जरूर रखी थी। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे कलाईपुली एस थानू और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई की थी, जिसे देखकर बॉलीवुड वाले और बाकी सारे इंडस्ट्री की जीव लपलपानी शुरू हो गई थी। असामी इंडस्ट्री ने तो झट से इसका रिमेक बना दिया था और बॉलीवुड वाले भी अब इसकी रिमेक बनाने में तुले हुए और इसकी रिमेक यानी बेबी जॉन पर वरुण धवन काम कर रहे हैं। वैसे तुम इस मूवी का कितना वेट कर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या वरुण भाई थलापति के लेवल को मैच कर पाएंगे या फिर इनका हाल भी बॉलीवुड के सहजादा यानी कार्तिक आर्यन जैसा ही होगा। पर भाई कुछ भी बोलने से पहले ये जरूर सोच लेना कि ये रिमेक एटली भाई अपनी लुगाई संग प्रोड्यूस करने वाले। थेरी की सुपरहिट होने के बाद ही एटली और विजय ने दूसरी मूवी पर लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से काम करना शुरू कर दिया। वैसे लाइट की गति से याद है कि तुम सब ने 10th क्लास में साइंस में ये तो पढ़ा ही होगा कि अगर कोई भी इंसान लाइट की स्पीड से ज्यादा तेजी से चल सकता है तो वो टाइम ट्रेवल यानी समय को भी पीछे छोड़ सकता है। और ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट इस बार गोट के डायरेक्टर वेंकटा प्रभु ने अपनी मूवी में दिखाया है। और इस बार थलापति टाइम पीछे जाकर अपने आप से लड़ते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। 2016 में डबल रोल का कंफ्यूजन कर लोगों के दिमाग की दही कर देने वाले एटली और विजय का कॉम्बो 2017 में हमें वापस से देखने को मिला, जहां इस बार एटली भाव ने पिछली बार की तरह पब्लिक को सस्पेंस में नहीं रखा। नो टेंशन नो कंफ्यूजन वाली पॉलिसी को फॉलो करते हुए सिर्फ 2 विजय नहीं बल्कि 3 विजय को बड़े पर्दे पर दिखाया और ऑडियंस की फट के हाथ में रह गई। अरे मेरा मतलब आंखें।
कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोना। वैसे तो तुम में से सबने ये मूवी देखी ही होगी, पर मेरे वो व्यूअर्स जो मूवीज को लेकर थोड़े भूले भटके हैं उन्हें बता दूं कि ये फिल्म दो जुड़वा भाइयों की कहानी को दर्शाती है जो जन्म के टाइम पर अलग हो गए, जिनमें से एक विजय था वेत्री शहर का बड़ा जादूगर जो मेडिकल क्राइम्स के खिलाफ था, और दूसरा विजय मारन एक रिप्यूटेड डॉक्टर जो अपने पेशेंट से बहुत कम पैसे लेता है। तीसरे विजय कैरेक्टर वही है जिसने विजय को उनका स्टेज नाम थलापति दिया। तो मेरे लिए तो ये मूवी एटली और विजय की आज तक की बेस्ट कॉम्बिनेशन थी। तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। 120 करोड़ में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ का कलेक्शन किया और ये बन गई उस टाइम पर विजय की हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ ऑल टाइम। मतलब भाई यूट्यूब की एआई पूरब झा भी थलापति के आगे पानी कम चाय है। बंदा अपने कैरेक्टर्स को राइटर्स के अकॉर्डिंग प्ले करता है जिसकी वजह से तुम्हें इनके डबल या ट्रिपल रोल मूवीज में आसमान जमीन का अंतर दिखाई देगा। ये बंदा उन एक्टर्स में से नहीं है जो डबल रोल को दो अलग अलग रोल्स फील करवाने के लिए भारी भरकम मेकअप का इस्तेमाल करे। थलापति ने अपने कैरेक्टर को अलग दिखाने के लिए सिर्फ एक्टिंग का कमाल दिखाया। और गुरु आजकल के चौथी फेल क्रिटिक्स इसे भी विजय को ट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो भैया बॉक्स ऑफिस पर लगातार दो बार बम फोड़ने के बाद एटली और विजय ने अपना तीसरा इक्का डाला और 180 करोड़ में बनी बिगिन ने 300 करोड़ क्लब में एंट्री भी मारी। बाप और बेटे दोनों के रोल में सिंगल स्क्रीन पर पर्दे फाड़ने वाले विजय थलापति की इस मूवी में उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ तमिल सिनेमा भी बनी। भाई मुझे अभी भी याद है थिएटर में विजय भाऊ की आवाज पटाखों के बीच गायब सी हो गई थी। इस फिल्म में लेडी सुपरस्टार नयनतारा और टाइगर के पापा जग्गू दादा भी दिखाई दिए थे। ट्रेलर रिलीज के बाद ही सभी ने बिगिल को एसआरके की चक दे इंडिया से कंपेयर करना शुरू कर दिया था। पर भैया जब मूवी रिलीज हुई तो लोगों के रोंगटे कहां कहां खड़े हो ये तो तुम सबको पता है। फिल्म में माइकल बिगिल का कैरेक्टर प्ले करता है जिसके हालात ने उसे फुटबॉलर से सीधा गैंगस्टर बना दिया होता है, और जब वुमेन्स फुटबॉल टीम के कोच पर अटैक हो जाता है तो बिगिल डिसाइड करता है कि वो अपना गुंडागर्दी वाले स्टाइल में उनकी कोचिंग करेगा। मूवी में फाड़ू सिनेमेटोग्राफी के साथ साथ अनिरुद्ध के धांसू बीजीएम ने थिएटर में पूरा माहौल बना दिया था। और बीजीएम से याद है तुम में से जिसने भी गोट का ट्रेलर हिंदी में देखा है तो लास्ट में विजय को मिशन इम्पॉसिबल की थीम गाते हुए जरूर सुना होगा। तो भैया आपको बता दें कि इसके पीछे भी मेकर्स की बड़ी प्लानिंग चल रही है। मेकर्स ने मूवी का कनेक्शन हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज की फेमस मिशन इम्पॉसिबल सीरीज से बना रखा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। पर भैया इतने सारे सुपरहिट डबल रोल के बीच 2015 में थलापति ने एक और मूवी में डबल किरदार निभाया जिसे उनके फैंस पूरी तरह से भूल चुके हैं। और भाई भूले हुए क्यों ना, मेरे लिए तो वो फिल्म ट्रॉमा से कम नहीं थी। पर अगर तुम अभी तक वो मूवी गेस नहीं कर पाए हो कि मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ, तो ये 2015 में रिलीज हुई थलापति किच्चा सुदीप और श्रुति हसन की फिल्म फैंटेसी एक्शन ड्रामा पुली की बात कर रहा हूँ। फिल्म में विजय दो रोल्स में नजर आते हैं, एक डेमन प्रिंस और दूसरा उनका बेटा जो कि एक हाफ डेमन होता है। इस फिल्म की जितनी कम बात करें उतना ही बेटर। मूवी ने क्रिटिक्स के साथ साथ ऑडियंस को भी काफी निराश किया। जहाँ एक तरफ थलापति बड़ी आसानी से बॉक्स ऑफिस पर सेंचुरी मार रहे थे तो वो इस मूवी को 100 करोड़ क्रॉस करते करते पसीने छूटने लगे। और भैया यही डर मुझे कहीं ना कहीं वेंकट प्रभु की गोट से भी लग रही है। और अगर मूवी में कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं दिखे तो 300 करोड़ में बनी इस मूवी को अपना बजट रिकवर करने में भी पसीने छूटने लगेंगे। पर पिछले साल ही थलापति ने वारिसु और लियो से लगातार दो दो बार वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ के आंकड़े पार किए थे। और जब डबल रोल की बात हो रही है तो लियो की भी बात कर ही लेते हैं। जैसे थ्योरी देखते देखते ऑडियंस थोड़ी कंफ्यूज आ गई थी, वैसे लियो रिलीज होने से पहले सब थलापति के डबल रोल की चर्चा कर रहे थे। पर लोकी भैया, अरे मेरा मतलब लियो के डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। और भाई यू सोच के देखो, लोकेश भाई की लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स में अगर दो थलापति विजय होते तो यूनिवर्स में चार नहीं बल्कि 10 चांद लग जाते। फिलहाल चार चांद तो कुछ दिनों बाद 5 सितंबर को गोट से लगने वाले। तो भैया तुम में से कौन कौन एक्साइटेड है थलापति की सेकंड लास्ट मूवी के लिए? और अगर इस वीडियो पर 1000 कमेंट्स आ जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम गोट के ट्रेलर और रिव्यू एनालिसिस भी बनाएंगे एंड फ्यूचर ऑफ थलापति विजय की वीडियो पर भी काम शुरू हो जाएगा। तो भैया जी लोग, हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।